Hello students, today's topic is lines and angles. Theorem is if two lines intersect, then the vertically opposite angles are equal. If two lines intersect, तब क्या होता है कि जो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं जी हमने इस थ्योरम में प्रूव करना है क्या किया सबसे पहले गिवन क्या दिया है उसने कहा टू लाइंस एक लाइन ले लेते हैं जी मैंने एक लाइन ले ली ठीक है ए बी एंड सी डी ये लाइन लेता मैं इस तरह से ये ले ली मैंने पॉइंट सी और जी क्या ले लिया मैंने बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो ओ पे तो टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ मतलब ये दो लाइन है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ एक पॉइंट पे क्या करेंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे समझ आ रहा है टू प्रूव करने को दिया कि भाई एंगल ए ओ सी एंगल ए ओ सी equals to angle B O B okay angle मतलब ये वाला angle और ये वाला angle हम क्या कर रहे हैं equal कर रहे हैं उसने कहा angle B O C B O C okay ये वाला angle equals to angle B O A ये वाला angle हम क्या कर रहे हैं prove कर रहे हैं मतलब ये angle A O C equals to angle डी ओ बी ये को लाएंगे और एंगल सी ओ बी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ ये दो एंगल हम इक्वल करेंगे क्या दिया प्रूफ में क्या दिया हमें कहता है सिंस जो जे हमारे पास रे कौन सी वाली ओडी वाली है सिंस रे ओडी किस पे स्टैंड है ए बी पे सिंस रे ओडी स्टैंड्स ऑन लाइन कौन सी ए बी पे क्या है ये स्टैंड है अगर जी ए बी पे जैसे एक लाइन जी है जी ऐसे स्टैंड है इसका मतलब जो जी एंगल्स बन रहे जी एंगल्स क्या बन रहे लीनियर पेयर का मतलब क्या होगा इन दोनों एंगल क्योंकि लीनियर पेयर कब है जी जो लाइन है जी क्या होनी चाहिए अपोजिट में होनी चाहिए है कि नहीं जी अपोजिट में आपस में तब इन दोनों एंगलों का समग्र गुणा आता है 180 डिग्री से तो क्या लिखेंगे देयरफॉर एंगल क्या आएगा हमारे पास एंगल लिया हमने ए ओ डी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ बी एंगल डी ओ बी जी क्या आएगा इन दोनों का सम किसके बुलाएगा 180 डिग्री इसको क्या रखेंगे हम नंबर वन और ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की हमने लीनियर पेयर कौन सी प्रॉपर्टी की अप्लाई हमने लीनियर पेयर शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं एलपी लीनियर पेयर क्लियर जो बोल सकते अब क्या नो जो ये तो ओडी किस पे स्टैंड थी ए बी पे क्या ओ ए स्टैंड नहीं है सी डी पे है जे भी स्टैंड है इसका मतलब क्या लेंगे हम अगेन रे ओ ए ठीक है अगेन रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन कौन सी सी डी राइट समझ आ रहा है ओके तो अगर ये इस पे स्टैंड है देन क्या आएगा सेम हमारे पास क्या आ जाएगा देयरफॉर एंगल ए ओ बी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी मतलब एंगल ए ओ सी किसके इक्वल आएगा इन दोनों का सम फिर लीनियर पेयर राइट लीनियर पेयर बन रहा है ना तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री इट मींस इसको नंबर टू रखेंगे और शॉर्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जी वाला हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तो देखिएगा
ये दोनों का सम भी किसी को 180 डिग्री के, इन दोनों एंगलों का भी सम कितना 180 डिग्री। इसका मतलब क्या लेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कॉमा वी गेट, इसका मतलब क्या आ जाएगा, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओबी ओके इक्वल्स टू एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी। क्योंकि अगर ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं तो इसका मतलब एंगल एओडी प्लस एंगल डीओबी इक्वल्स टू एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी के इक्वल आएगा। हम क्या करते हैं इस एंगल एओडी को इस तरफ ले आते हैं, व्हिच इंप्लाइज एंगल एओडी प्लस एंगल डीओबी माइनस एंगल एओडी इक्वल टू आएगा एंगल एओसी। ये एंगल एओडी और एंगल एओडी कट गया क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव कट गया, इसे क्या बच गया हमारे पास, एंगल बीओबी इक्वल टू एंगल एओसी। क्लियर, यहां भी क्या जाएगा, देयरफॉर एंगल एओसी को मैंने पहले लिखा और बाद में लिखा इक्वल टू एंगल बीओबी, एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओबी, मतलब एओसी और बीओबी प्रूव करना था हमने, पहला पार्ट प्रूव हो गया ओके। जी आ गया हमारे पास एंगल एओसी इक्वल टू एंगल डीओबी। नाउ अगेन हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं रे ओडी स्टैंड, जी जो निकाला हमने पहला पार्ट था ठीक है, अब जो जी निकाल रहे हैं हम, जी किसके लिए निकाले, दूसरे पार्ट के लिए। क्लियर, रे ओडी ओडी स्टैंड ठीक है ऑन लाइन ए बी, देयरफॉर क्या आएगा, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए कुछ कितना आएगा 180 डिग्री। इसको रखा मैंने स्टार थर्ड, जी क्या अप्लाई किया, वही लीनियर पेयर, क्या आ गया लीनियर पेयर। क्लियर जी आया, अब क्या लेंगे आल्सो, क्या लेते हैं हम, अब क्या ले रहे हैं भाई, ओबी जो ओबी है वो भी स्टैंड है किस पे, सीडी पे, सो ओबी स्टैंड्स also ray, also ray OB stands on line, कौन सी line है, CD, line CD, तो then हमारे पास क्या आएगा, जब इस पे stand है then हमारे पास आएगा angle, देखो क्या है OB है तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, लिखूंगा angle BOD plus एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना आता है 180 डिग्री, दैट इज द फोर्थ, दैट इज आल्सो लीनियर पेयर। क्लियर, अब क्या करेंगे हम दोनों में से क्या लिया जाएगा, जब हमें दोनों में क्या आएगा, ये भी 180 डिग्री इक्वल, ये भी 180 डिग्री इक्वल ठीक है, क्या है फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ कॉमा वी गेट, सेम इसकी तरह आएगा ठीक है, आ जाएगा एंगल बी ओ डी राइट प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल्स टू क्या आएगा, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, ये इक्वल आ जाएंगे ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एंगल बी ओ डी क्लियर प्लस एंगल बी ओ ए माइनस एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, जे एंगल बी ओ डी कट गया तो क्या मिलेगा हमें, विच इंप्लाइज एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल बी ओ सी, मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, therefore angle BOC equals to angle BOA, ये भी angle equal है।
ओके क्लियर हुआ। तो हमने पहले सबसे पहले हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी या डीओबी, ओके बीओबी लिया इक्वल टू क्या है एंगल बीओसी इक्वल टू एंगल बीओए, ये हमारा सारे ठीक है। यही कहा था ना उसने, कहा था कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होंगी तो हमारे पास क्या है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे इक्वल होंगे। देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ रहे हैं इक्वल आ गए, हमें प्रूव कर दिया। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।